चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। मैं महबूब। किसके महबूब? और तेरा महबूब छन्नो। Shut up, you idiot. ओ, बड़ी अंग्रेजी बोल रही है और ज्यादा अंग्रेजी ना जा छन्नो। कौन छन्नो? मैं खूबसूरत हूँ। ओ अब कहा रही तू खूबसूरत? खूबसूरत तो तू 12 साल पहले थी जब तुझे मैं ब्याह करके लाया था, पर तूने मुझे बड़ा धोखा दिया। तू मेरे बेबे नू अकेले छोड़ के आ गई घर में। कौन बेबी मिस्टर? ओ वही बेबे जिसकी एक आंख एक कान और एक टांग खराब है। तू फौरन जल्दी आ जा। मैं वहाँ के क्या करूँगी? आप उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाए ना। ओ पर बेबे तो दिन रात छन्नो छन्नो करती रहती है। पर मैं छन्नो नहीं हूँ। देख छन्नो ज्यादा नखरे ना कर, तू जल्दी से घर आ जा वरना तेरा कट्टा भेज देना मैंने। ओ वही जो पिछले साल तेरे अब्बे ने तुझे दिया था। कट्टा? क्या कट्टा? देख छन्नो मैंने दूजा ब्याह कर लेना है, फिर रोते हुए मत आना। जरूर कोई पागल था। हेलो जी, कौन? हेलो जो जी, बड़ा अफसोस हुआ है जो जी। किस चीज का अफसोस बहन? अरे जो जी, शौकत भाई चल बसे हैं जो जी। क्या? मेरा भाई चल बसा? हाय लाजी। हाय जो जी, लगता है तुझे गहरा सदमा लगा। अरे पगली, शौकत भाई तेरे शौहर थे, दो दिन पहले ट्रक के नीचे आकर कुचल गए बेचारे। अरे मेरे शफकत खोते के नीचे आके मर गए। अरे खोते के नीचे नहीं, ट्रक के नीचे जो जी, ट्रक के नीचे। अरे मैं तो भरी जवानी में यतीम हो गई हूँ। अरे तू यतीम नहीं, तू बेवा हो गई है। हाय मेरे अनवर मुझे अकेला छोड़ के चले गए। शौकत जो जी, शौकत। हाय मेरी लियाकत मुझे छोड़ के शौकत और दोदी के साथ ट्रक में चले गए। ए बहन, मैं रुखसाना बात कर रही हूँ। लगता है शोहर के मरने के बाद तू पागल ही हो गई है। अरे अपना ख्याल रखना, चल मैं बाद में बात करती हूँ। अरे मोमो, अरे क्या हुआ है भाई, रो क्यों रही हो? मेरे वो इंतकाल कर गए हैं, बताओ। वो कौन? अब्बा जी? नहीं अब्बा जी नहीं, मेरे मियाँ। मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया भाई जान। क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे तुम्हारा शोहर मैं हूँ भाई महमूद, और मैं जिंदा सलामत हूँ तुम्हारे सामने बैठा हूँ भाई। तुम्हें किसने कहा कि मैं मर गया? और लेकिन अभी अभी फोन आया था, इसी पर आपके अंतकाल की खबर मिली है मुझे। अरे कोई मजाक कर रहा होगा मोमो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा भला। ये देखो भाई, मैं तो डर गई थी। सच? मुझसे जुदा होने की वजह से तुम डर गई थी मोमो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास सफेद जोड़े के साथ ना सफेद मोतियों की माला नहीं थी। अब आपके अंतकाल के बाद लोगों ने आना था, अफसोस के लिए तो मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं। कितने आदमी थे? ओ भाई कहाँ कितने आदमी थे, अबे कितने आदमी थे? ओ भाई हमारे घर में सिर्फ दो ही हैं, एक मैं हूँ और एक बड़े मुंह वाले महमूद साहब। आपको किससे काम है भाई? अबे मैं कोड वर्ड में बात कर रहा था, तुझे जवाब देना है सरदार। तो ओ भाई कौन सा कोड, काम क्या यार वो बता रहे? काम के लिए फोन किया है, जाके अपनी पेमेंट उठा ले। पेमेंट? किस चीज की पेमेंट? जो माल डिलीवर किया था उसकी पेमेंट। 6 नंबर वाले कब्रिस्तान के बाहर आदमी खड़ा है, लाल गुलाब लेकर जाना, वो तुझे पेमेंट दे देगा। पेमेंट कैसे नहीं है? 20 लाख रुपए। क्या 20 लाख? तूने खुद इतने में डील की थी, अब 1 रुपया भी ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर 1 घंटे में पेमेंट नहीं उठाई तो मैं बंदा वापस बुलवा लूंगा। ये बात महमूद साहब को बतानी होगी। महमूद साहब, मुझे आपसे एक जरूरी मशवरा करना है यार। यार नबील अभी मेरे पास टाइम नहीं है भाई, मैं कल मशवरा दूंगा तुम्हें, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। क्यों?
आज आपकी फूफो का खत्म है। नवील ओ यार महमूद साहब, अभी भी मुझे फोन आया था, एक बंदे ने मुझे कहा कि वो जो 6 नंबर वाला कब्रिस्तान नहीं है वहाँ आ जाओ पैसे लेने के लिए। अरे नवील, अभी मेरे दिन इतने बुरे नहीं आए कि मैं कब्रिस्तान के बाहर खड़ा होकर लोगों से ज़कात और खैरात लेता फिरूं। ओ यार महमूद साहब, वो बंदा पूरे 20 लाख रुपया लेकर खड़ा है मेरे लिए। क्या? अरे इस मक्कार शक्ल पर 20 लाख रुपया कोई खैरात तुम्हें क्यों देगा भाई? यार महमूद साहब मेरी बात तो सुने यार, अभी एक बंदे की कॉल आई थी, मुझे कह रहा था लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। तुम्हारी कौन सी पेमेंट भाई? यार महमूद साहब, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने किसी को 20 लाख रुपया उधार दिया हो और मैं भूल गया हूँ। 20 लाख? अरे सबको पता है तुमने तो कभी किसी को 20 रुपए नहीं दिए होंगे कंगले कहीं के। अरे मामू साहब, आपको पता ही नहीं है, आपका मुंह बड़ा है और मेरा दिल, मैंने जरूर किसी को 20 लाख रुपए उधार दिए और भूल गया हूँ। उसी बंदे की कॉल आई थी मुझे कि आगे 20 लाख रुपए ले जाओ। हाँ नबील, अरे सुबह से हमारे घर में ना रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, तुमने जिस नंबर पे बात की होगी ना वो भी रॉन्ग नंबर होगा। ओ यार महमूद साहब, चल के देखने में क्या हर्ज है यार, आप चले ना मेरे साथ। अरे नहीं यार नबील, मैंने नहीं जाना कब्रिस्तान भाई। महमूद साहब पैसे लेकर आते हैं यार। अच्छा यार चलो। चले चले वापसी पर ना, मैं आपके लिए कोई कॉर्नर कब्र भी बुक करा दूंगा। चले काफी देर से गायब है, जरूर कोई चक्कर है। रबीना अपने वाले की बात कर, मेरे मासूम मस्कीन मसूद तो किसी पर वो नहीं डालते। ओ माँ जी, मेरा मतलब है कि दोनों काफी देर से बगैर बताए कहीं गए हुए थे, कुछ छुपा रहे हैं हम। कहाँ थे आप लोग और इसमें क्या है बैग में? अबे कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है महमूद साहब? मतलब ये जानू कि मुझे फोन आया कि लाल गुलाब लेकर आओ और अपनी पेमेंट ले जाओ। मैं लाल गुलाब लेकर गया और अपनी पेमेंट लेकर आ गया। क्या फजूल बात कर रहे हो नबील, क्या इस बैग में? खोलो। अरे क्या बताऊं क्या है इसमें। पुत्र एक लाल गुलाब के बस इतने सारे पैसे, अगली बार ना तूने पूरा लाल गुलाबों का भरा हुआ ट्रक लेके जाना है। ये पर नबील, इसमें तो वाकई सच मुझ के बहुत से नोट है। यस महमूद साहब, जानू तुमने चेक किया अपने शौहर की किस्मत को, बैठे बैठाए मुझे 20 लाख रुपया मिल गया है। शट अप नबील, मुझे ये पैसे इलीगल लग रहे हैं, तुम फौरन पुलिस को फोन करो। ओ बस कर दो खूबसूरत, तुमसे किसी ने मशवरा मांगा है, ये पैसे मुझे मेरी किस्मत के वजह से मिले हैं, मैं किसी को एक आना भी देने वाला नहीं हूँ। और वैसे तुम्हारे पापा जी को तो कभी रहम आया नहीं मुझ पर, और अगर आप किस्मत मेहरबान होगी तो बीच में टांग मत अड़ाओ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, ये पैसे वापस नहीं करने किसी को, तू तो चाहती है कि हर वक्त हम वो फैलाते रहे तेरे आगे। अंदर फोन बज रहा है, चेक करें किसी और की पेमेंट की कॉल ना हो। आज वो 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 आज ऑर्डर पहले से भी बड़ा होगा। ऑर्डर किस चीज का भाई? ड्रग्स का, A1 क्वालिटी की होनी चाहिए, जगह वही पुरानी वाली। चल रख फोन, रख। किस चीज का ऑर्डर था नबी? महमूद साहब, ड्रग्स, मनशियात, वो भी 2 गुना डिलीवरी। पुत्र 2 लार्ज पिज्जे ना मुझे डिलीवर करा देना। माँ जी ये पिज्जा डिलीवरी की कॉल नहीं थी, ड्रग्स की डिलीवरी की कॉल थी। नबील तुम फौरन पुलिस को फोन करो। क्यों, हमारी पुलिस भी अब पिज्जे डिलीवर करती है? नहीं यार, पुलिस आकर ये पैसे जब्त करेगी और फोन कॉल ट्रेस करेगी। चुप है, तेरी नजर अब इस 20 लाख पर है। तू तो चाहती है फरजाना कि मेरा बेटा फिर से वही हो जाए। वो क्या? वही जो हमेशा से था। उदार और मेहनती माँ जी। नबील तुम हमेशा से निकम्मे और कंगाल ही थे। हाँ हाँ, तू तो चाहती है ये फिर से कंगाल हो जाए। अच्छा ना मेरी भी सुन लो ना, मैं तो कहता हूँ कि फोन की लाइन जो है ना ये काट दो, तुम उठाओ ही ना फोन, अरे वरना पुलिस ये 20 लाख ले जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महमूद साहब, ये पैसे जो है ना ये मेरे सालों के इंतजार का फल है जानू। तुम
सालों से इस रॉन्ग नंबर का इंतजार कर रहे थे? इस रॉन्ग नंबर का इंतजार नहीं कर रहा था, तुम्हारे पापा जी के गुजर जाने का इंतजार कर रहा था। तुम बाप बेटी मुझे वो खुशी नहीं दे सकते। और ये पैसे मेरे सबर का फल है, मैं सिर्फ इस पे अय्याशी करूंगा। वो जो तुम इस पैसे से करोगे वो अय्याशी होगी। हाँ जी, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं करने दूंगा। और मोमो मेरे साथ आओ, भागो भागो। थोड़े से पैसे मुझे दे दे, मैं थोड़ा सा वर्ल्ड टूर करके आती हूं। और पैसे जो है ना वो हम दोनों के हिसाब से देना। आप देखो ना, तुम्हारी माँ को अकेले तो वर्ल्ड टूर पे नहीं भेजूंगा ना मैं, मजबूरी है, मुझे साथ जाना पड़ेगा। अब बस कर दे भाई, ये 20 लाख है, 20 करोड़ नहीं है, बस मासूम सी नन्ही नन्ही ख्वाहिशें बताएं। पुत्र फिर मेरे लिए कोई छोटी मोटी हीरे की अंगूठी बनवा दे। हाँ तो मुझे फिर कोई छोटी मोटी सी गाड़ी ले दो नबील। ठीक है मामू साहब, कोई 15 लाख तक ना पुरानी गाड़ी खरीद सकते हैं हम लोग, और बाकी जो पैसे रह जाएंगे उनसे मैं कोई आला किस्म का फोन खरीदूंगा। अरे बाकी पैसों से तुम हमें शॉपिंग भी तो करवाना ना, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए। हाँ पुत्र, मेरे लिए भी फना पसीना के ना 4 सूट दिलवा दे। ओ यार माँ जी, आपके कपड़े तो मैं ला दूंगा, मैं वो सब को नए कपड़ों की क्या जरूरत है, कुछ भी पहन ले, मखमल के पहन ले, रेशम के पहन ले, लगना तो इन्होंने जहर है। माँ जी, आपको इस उम्र में ना सादगी अख्तियार करनी चाहिए रफीक। महमूद, महमूद बड़ा अच्छा छोरा है, आते जाते मुझे देख के गाना गाते सीटियां मारता है। अरे महमूद, मैं हूँ भाई तुम्हारा शोहर। ओ बस कर दे, इन पैसों को नजर लगाना बंद करें यार। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं एक यूज्ड गाड़ी लूंगा और इसमें से आज एडवांस कर दूंगा उस गाड़ी का। नबील ये मत भूलो, ये पैसे लेने मैं भी तुम्हारे साथ गया था। और याद है मुझे यार, इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी गाड़ी का ड्राइवर मैं आपको रखूंगा। और मैं शक्ल से तुम्हें ड्राइवर लगता हूँ क्या? ना जी ना, शक्ल से तो आप हमायों से ईद के काफी लगते। अरे क्या बात कर रही हो मोमो, हमायों भाई मुझसे काफी बड़े है। हाँ शक्ल अलबत्ता थोड़ी बहुत मिलती है मेरी उनकी। वो बस कर दे यार, हमायों जा पड़ेगा यार, पता नहीं अभी उसने मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं जाऊंगी, फिल्म बनानी है यार। लैटरीन नहीं जाऊंगा। मैं खूबसूरत को बताने जा रहा हूँ कि हम इन पैसों से गाड़ी लेने जा रहे हैं। ओके बाय। मोमो ये तुम्हारा बेटा पैसे याद है, कोई ज्यादा ही मगरूर नहीं हो गया? चुप है, मेरे लखपति बेटे से ना जलने की जरूरत नहीं है, समझे समझे। दोनों माँ बेटा ही पागल हो गए। हाँ बेटी के मैंने 10 लाख एडवांस दे दिया अली इमरान को, ठीक है। अब सुन, गाड़ी बड़ी जबरदस्त होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बाकी के पैसे जैसे तू चाबी देगा तुझे दे दूंगा ना यार। ठीक है, ना किया कर, ना किया कर। ओके बाय। लो भाई जानू, 15 लाख की मैंने जबरदस्त गाड़ी ढूंढ ली। 15 लाख में कोई पुरानी और ठकी हुई गाड़ी आएगी ना भी? तो मैं काम करो, पापा जी से कह के ब्रांड न्यू 0 मीटर गाड़ी निकलवा दो। मेरे पापा को बीच में मत लाना। वही तो है जो मेरे और मेरी करोड़ों रुपए की जायदाद के बीच में आए। अच्छा चलो तुम ये छोड़ो, एक काम करो, पापा जी से बात करो और अगले महीने के खर्च में 50,000 रुपया बढ़वा लो। वो क्यों जानू? पेट्रोल भी महंगा हो गया है, फिर ड्राइवर की तनख्वाह नहीं देनी उसमें से। अब तुम ड्राइवर भी रखोगे जानू? जाहिर सी बात है, अब ये सब्जी डबल रोटी अंडे वगैरह वगैरह लेने के लिए मैं खुद थोड़ा जाऊंगा भाई, 24 घंटे का ड्राइवर होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है गाड़ी लेने की नबील, पता नहीं किसके पैसे जो तुम उठा कर ले आए हो। इस बार तुम फंसे ना तो मैं वार्न कर रही हूँ, मैं मदद नहीं करूंगी। कभी अच्छी बात की है तुमने, रोज के 150-200 देकर तुम एहसान करती हो मुझ पर। अगर आज अगर मेरे पास 20 लाख इकट्ठे आ ही गए हैं तो जल रही हो तुम, जल रही हो। शट अप नबील। ओके जानू, लेकिन पापा जी से ड्राइवर वाली बात कर लो जानू, मैं इतनी देर ड्राइविंग कर नहीं पाऊंगा। आ रही हूँ, आ रही हूँ। जी आप कौन है भाई? कांटा। और ये कांटा नहीं, ये बेलन है। है ये बेलन नहीं, चाकू है, चाकू। तो जब ये चाकू है तो इसे कांटा क्यों कह रहे हैं नल्ला? क्योंकि कांटा मैं खुद हूँ, कांटा भाई भाई भाई। तू कांटा है तो ये चाकू लेके क्यों घूम रहे है बता? ए बुढ़िया। खबरदार जो मुझे बुढ़िया कहा हो, तुझे 3 साल छोटी होंगी, दफा हो जल्द से। ए बुढ़िया ज्यादा होशियारी नहीं वरना गला काटूंगा। मेरा प्यारा बच्चा, ऐसी नाराज होगी अपनी मामा से है। आ अंदर आ, मैं तुझे गर्मा गर्म खाना अपने हाथों से खिलाती हूँ। मेरा प्यारा बच्चा आ जाओ, जाओ। ए बुढ़िया जी, गाय सब घर वाले बुला सबको। मैं महमूद
करीम वकील शकीला लैला आ जा नीला। अबे कितने लोग रहते हैं घर में? 400 तो 50 तो 400। क्या हुआ भाई, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ओ माँ जी, ये कौन है अली इमरान की तरह पापोश का जेम्स बॉन्ड? अच्छा तो तुम दोनों हो वो फ्रॉडी है जो मेरे हक का माल लेकर फरार हो गए। तो कौन सा माल, किसका माल? हमने किसी का माल वाले लिया। हाँ तो चम्मच भाई सही बात है, ये सिर्फ 20 लाख रुपए लेकर आए घर पे। उसी 20 लाख की बात कर रहा हूँ मैं, डिलीवरी मैंने की और पैसे लेने तुम लोग पहुँच गए। निकालो निकालो मेरे पैसे। महमूद साहब, मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि यार ये किसी और के पैसे हैं, हमें नहीं लेने चाहिए, लेकिन आपका लालच खत्म ही नहीं हो रहा था। चले वापस करें आप इनके पैसे। अरे मैं कहां से वापस करूं पैसे भाई, पैसे तो तुम्हारे पास हैं। मैं भूल गया था, मैंने खूबसूरत के पास रखवाए थे। जानू जरा पैसे तो लेके आओ, दो इनके पैसे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है नबील, पैसे इनके पास हैं। जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो, वरना एक एक करके तुम सबकी गर्दने काटूंगा। हाँ इस चुमेला से शुरू करें, इसकी गर्दन बड़ी पतली और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। छुरी भाई। छुरी भाई नहीं, कांटा भाई, कांटा भाई, कांटा भाई। मैं बाहर लॉन में इंतजार कर रहा हूँ, 5 मिनट में मेरे पैसे लेकर आओ वरना। ये क्या बकवास है, इसमें 10 लाख कम है। महमूद साहब आप बताए ना 10 लाख का है यार। मुझसे क्या पूछ रहे हो नबील, मुझे क्या पता भाई, तुमने खुद ही तो गाड़ी का एडवांस दिया था। नहीं, मुझे अपना पैसा पूरा के पूरा चाहिए, 10 लाख रुपया रखो अभी के अभी। 10 लाख तो नहीं है, हम लोग बड़े गरीब लोग हैं, हमें माफ कर दे कांटा भाई। मैंने आज तक कभी किसी को 10 रुपए माफ नहीं किए, ये तो फिर 10 लाख रुपए हैं। फिर तो आप बिल्कुल मेरी तरह हैं चम्मच भाई। कांटा कांटा कांटा, जहाँ जल्दी से दे कि इन्हें कफील। कांटा चुप गया पता नहीं कहाँ। अबे मेरा नाम कांटा भाई है, कांटा भाई। देखो सीधी तरह से मेरे पैसे वापस कर दो वरना मरने के लिए तैयार हो जाओ। भाई हम क्यों मरेंगे, आपके पैसे तो नबील और महमूद साहब ने लिए, इन्हें मारे। जानू अगर मैं मर गया तो तुम क्या करोगी, बोर हो जाओगी, कौन बनेगा तुम्हारा सहारा? मैं बनूंगा सहारा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शट अप इंग्लिश। ए कांटा भाई को शट अप नहीं बोलना। नबील यार इसके पैसे वापस करो। वो कहां से करूं जानू? अरे कांटा भाई नहीं नहीं नहीं, देखिए हम आपके ना सारे पैसे लौटा देंगे, बस हम ना किस्तों में लौटाएंगे। पर ये देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। और मैं आपके पांव जोड़ती हूँ गुलाब भाई। ओ माँ जी आपको अल्लाह का वास्ता, कांटा भाई कांटा भाई कांटा। एक रास्ता है तुम दोनों को मेरे अगले काम में मेरी मदद करनी होगी। कौन सा काम? एक बच्चे को अगवा करना है। ये 10 लाख भी माफ कर दूंगा और तावान की रकम में से 50,000 भी दूंगा। हरगिज नहीं, कोई बच्चा नहीं अगवा करेंगे ये लोग। तेरे मियाँ की नौकरी लग रही है तो तेरे नखरे नहीं खत्म हो रहे? माँ जी नौकरी नहीं लग रही, क्राइम कर रहे हैं ये लोग। तो फिर जल्दी बताओ मेरा काम करोगे या फिर काटूं सबके गले? करेंगे 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 करेंगे। शाबाश शाबाश, अपने अपने कान इधर लाओ, प्लान सुनो। इसको नीचे करना, काटना दीजिएगा कान जी। बताइए बताइए करना क्या है। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। अबे ये किसका बच्चा उठा रहा है? ये तो वो बच्चा नहीं है जिसको अगवा करना था। अरे आपने जिस घर का एड्रेस दिया था उस घर के आगे से तो उठा के लाए हैं इसे, हम क्रिकेट खेल रहा था वहाँ पे। अंकल वहाँ से मैं बैट बॉल खेल रहा था, वो मेरा घर नहीं था। अबे तो पहले नहीं बता सकता था ये बात? तुम लोग ने पूछा था क्या मुझसे? नबील इस बच्चे को इसके घर छोड़ कर आओ अभी। नहीं, तुम लोग इसे उठा कर लाए हो, अब तावान इसी के बाप से लेंगे। चल बे बाप का नंबर दे अपने। हाय गमले भाई, तवान की रकम मांगने का ना मुझे बड़ा शौक था किडनैपर बन के। मेरा पापा फोन करने की गलती मत करना, बहुत पछताओगे तुम लोग। लगता है इसका बाप हमारे पापा जी से भी ज्यादा कंजूस है जानू। अरे जितना मर्जी कंजूस हो नबील, हम इसके बाप को ऐसा डराएंगे कि भागा भागा आएगा पैसे देने के लिए। कांटा भाई आप ये बताएं कि पैसे कितने मांगने? पूरे 20 लाख।
चल बे बताओ अपने बाप का नंबर। नहीं मैं नंबर नहीं बताऊंगा, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा था लेकिन ये लोग मुझे पकड़ के यहाँ पर लाए, और मैं तब तक नंबर नहीं बताऊंगा तब तक ये लोग मेरे साथ खेलेंगे नहीं। अबे सीधी तरह बता रहा है नंबर या नहीं? अब अब, अब, अब बेटा देख तो तू ना नंबर बता दे, हम कसम से तेरे साथ खेलेंगे। नहीं 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 प्लीज पहले मेरे साथ क्रिकेट खेलो। अरे यार ये तो बहुत ही जिद्दी बच्चा है भाई नबीर, चलाओ यार थोड़ी देर खेल लेते हैं। आओ चलो 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 कांटा भाई आओ, कांटा लगा कांटा भाई आओ, चल आओ आओ कांटा भाई आओ, चलो 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 जरा नंबर पे ला के देख, चलो बाप का नंबर मिला जल्दी करो। हेलो, अबे कान खोल के सुन। हाँ। अगर तुझे अपने बेटे को जिंदा देखना है ना तो 20 लाख रुपया लेके जो मैं एड्रेस भेज रहा हूँ उस पे फौरन पहुँच, वरना तेरे बेटे की छट्टी छट्टी बट्टियां करके भिजवा दूंगा तुझे लिफाफे में डलवा के। हाँ। और सुन, पुलिस को इत्तला करने की गलती मत करना, हमको डरते वरते नहीं है पुलिस से, पुलिस को मैं जेब में रख के घूमता हूँ। फोन रख, तुझे एड्रेस भेजते हैं, चल रख फोन। अरे महमूद साहब देखिएगा कि इसका बाप कैसे पैसे लेके भागता हुआ आता है, एड्रेस भेजे जल्दी से इसको, जल्दी से। भागोगी तो तुम लोग बच्चू। अरे चुप कर, भला तेरी जुबान काट देंगे हम। अबे तुम लोग तो बिल्कुल पेशावर मुजरिम लग रहे हो, क्या बात है क्या बात है, अगर ये किडनैपिंग कामयाब हुई तो मैं तुम लोगों को अपने साथ काम पे रख लूंगा। देखा जानू कांटा भाई ने कैसे मेरे टैलेंट को पहचाना है, और तुम्हारे पापा जी को मेरी टैलेंट की कदर ही नहीं है। तुम इसके साथ काम नहीं करोगे नबील। अपने शोहर की रोजी पे वो ना मार रुखसाना, मैं तो दुआ करती हूँ कि मेरे शोहर मसूद इस शहर के सबसे बड़े मुंह वाले बदमाश बन जाए। जब तक मेरे अब्बा आते हैं तब तक मुझे कुछ खाने को तो दो, भूख लग रही है मुझे। हाँ चलो 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 चलो। बाप क्यों नहीं आ रहा, इतनी देर हो गई है। अब्बा सारे काम निपटा के आएंगे आराम से। क्यों भाई, तेरे अब्बा को तेरी कोई फिक्र नहीं है, अगर हमने तेरे हाथ पांव काट दिए तो। क्या तुम लोग जानते नहीं हो मेरे अब्बा को बच्चू? क्यों भाई, कौन है तेरा बाप? मैं हूँ इसका बाप। इसका बाप तो पुलिस वाला निकला। भाई साहब अगर आप चाहें तो हमें 2-4 लाख रुपए कम दे दें। खबरदार पहले अपनी जगह से हिला दो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को अगवा करने की? और हाँ फोन पे तुमने क्या कहा था कि उसकी बुटियां कर दोगे तुम? वो तो इस बड़े मुंह वाले ने कहा था अंकल। और क्या कहा था तुम लोगों ने, पुलिस तुम लोगों की जेब में? वो एक छोटी टी शर्ट वाले ने कहा था अंकल। हमें अल्लाह की कसम नहीं पता था ये पुलिस वाले का बच्चा है, ये सब कुछ हमसे ना कांटा भाई ने करा है। झूठ बोल रहा है ये अंकल, ये इन दोनों का प्लान था कसम से, मुझे तो 20 लाख में से 20,000 देने का प्लान किया था इन्होंने। 20 लाख के बच्चे, अब तुम सब 20 साल जेल काटोगे, चलो ताने। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते